मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसी का परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को उनके जनपद गांव में ही नौकरी रोजगार देने में सफलता प्राप्त की है। किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी, प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 District 1 Product की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफल। किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, प्रदेश सरकार एक तरफ इन भर्तियों के साथ आपके लिए आई है, नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके अपना रही है, रोजगार सृजन की नई संभावना को आगे बढ़ा रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है, हमने तय किया है, एक नई योजना हम लेकर के आए हैं। और मैं यहां पे जो नौजवान है उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख एमएसएमई यूनिट हम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही 5 लाख रुपए पहले चरण में ब्याज मुक्त ऋण उसको उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। ब्याज मुक्त, कोई इंटरेस्ट नहीं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ेंगे। कैसे व्यवसाय होना है, 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगेंगी और 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगने के साथ ही 50 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी इसके माध्यम से होगी। यह योजना भी प्रदेश के अंदर हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं।